हे गाइस, ये वीडियो लेंथी होने वाली है। हेयर केयर के ऊपर है, स्किन केयर के ऊपर है, थोड़ा सा चिट चैट है, थोड़ी सी बकवास बातें हैं, तो एंड तक देख ले। मतलब बोर लगेगी तो बीच बीच में कमेंट भी करते रहे कि तुमने ये गलत किया है, तुमने ये सही किया है, ये भी बताते रहे ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए। और वीडियो एंड तक देखे तो मज़ा भी आएगा आपको। और हाँ, मुझे बताइएगा ऐसा कुछ वीडियो मैं आगे बनाऊँ तो और बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये चीज़ मुझे बताइएगा। लेकिन इतना भी नहीं बना पाएंगे, हर बार बैठ के ऐसे स्किन केयर करना ना कमर दुखती है। तो चलिए आप आगे देखिए कैसा है वीडियो, क्या है करके। और जो हेयर केयर के बारे में है वो प्लीज़ कंप्लीट देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहले ये वाला वीडियो कंप्लीट देख के चले जाए, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। और एक चीज़ भूल गए बोलना, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, या जो भी डाउट्स होगा पूछिएगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो आप देख कर जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए मिलते हैं इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो। ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन प्लस मुझे ना पिंपल हो रखा है, ये देखिए ये सब जगह पे, तो पिंपल है यहाँ पे, ये। और अभी फ़िलहाल मेरा बायोटिक का प्रोडक्ट का ही सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा था, उसी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया, खाली फेस वॉश कंटिन्यू किया, बाकी सारा स्किन केयर बंद कर दिया, इवन सनस्क्रीन भी यूज़ करना थोड़े दिन के लिए कट ऑफ कर दिया था। बस ऐसे ही कि अपने से हील हो जाए उसके लिए छोड़ा था, काफ़ी हद तक हील हो गया, क्योंकि ना कंप्लीट इस जगह से यहाँ तक पिंपल भरा हुआ था मुझे। और मुझे वो एक्सपेरिमेंट्स करना तब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डर लगता है यार फेस है, और ना ऐसे दाग रह जाती है। ये जो दो दाग है ये पिंपल है, एक्टिव पिंपल है, और ये वाला मेरी वजह से ये हुआ था, मैंने नेल से पूरा उसको निकाल दिया था, उस वजह से वो मार्क रह गए। तो अभी इसके ऊपर प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, उसका भी रिव्यू बता देंगे कैसा है क्या है, तो कंप्लीट मतलब क्या है बताते हैं करके। सबसे पहले अपने हेयर के लिए, मैंने ना एक ये बनाया हुआ है घर पे टोनर टाइप का, हेयर टोनर बोल दो, हेयर रीग्रोथ सीरम बोल दो, तो वो यूज़ कर रहे हैं काफ़ी हद तक, मतलब अभी करीब 1 मंथ से कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, और मैंने रिज़ल्ट काफ़ी हद तक बहुत अच्छा देखा है। और कलर करना बंद कर दिए हैं, कलर नहीं कर रहे, ये जो आपको बाल मेरे ऐसे ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे होंगे ये सब मेरे जो वाइट हेयर्स है, ये कंप्लीट इस एरिया पे पूरा वाइट हेयर्स हो जाता है मुझे, तो ग्रे हेयर की वजह से। तो मैंने क्या किया है, मेहंदी यूज़ करना स्टार्ट किया है, हीना जो बोलते हैं, और वो भी लीफ वाला, मतलब मिल जाती है हमारे यहाँ पे, किसी के घर पे पेड़ होता है या कुछ भी होता है, मम्मी के पास में खुद भी अभी अपना खुद का एक पेड़ लगा लिए है, ताकि मतलब उसी से मैं यूज़ कर लूँ। और फेस मुझे भी अजीब लग रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को आगे आगे इससे पता चलेगा। पहले हेयर टोनर के बारे में बता देते हैं, ये है मैंने बना रखा है, इसमें रोजमेरी लीफ है, काफ़ी चीज़ें मैंने डाली है, अगर इसका मतलब अभी तक मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, लेकिन इसके आगे चलते भी अगर और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ना, क्योंकि एक एक स्ट्रैंड्स मेरा खुद से फील होता है कि हाँ थिक हुआ है करके, प्लस हेयर कलर भी यूज़ करना छोड़े हैं ना, तो उस वजह से लगता है कि मतलब क्या रीज़न से हो रहा है नहीं पता। PCOD के चलते तो मुझे वो एक दिक्कत तो रहती है। और लगा लेते हैं पहले, ये सबसे अच्छा रहता है अगर आप स्प्रे बॉटल में रखें, PCOD की वजह से मुझे रहती थी हेयर फॉल, ये सब जगह ना मेरा इतना बड़ा पैच दिखता था, अब आप देखिए काफ़ी हद तक ये भी कवर हो गई है। होपफुली मतलब कंटिन्यू से यूज़ करें ताकि आप लोगों को बता पाऊँ, प्लस खुद का भी रिज़ल्ट अच्छा मिल जाए, तो काफ़ी लोगों का हेल्प हो जाएगा ये चीज़ से। लेकिन खुद को रिज़ल्ट अब तक जितना यूज़ किया ना, हेयर फॉल कम होते हुए मैंने देखा है, एक एक सिंगल सिंगल बाल, मतलब एक एक सिंगल सिंगल बाल मोटा होता हुआ फील किया है मैंने। तो इसका एक अपडेट रहेगा, हम सोच रहे हैं कि हेयर सीरीज ही बना ले, ताकि आप लोगों को मालूम चल जाए ऐसा कुछ कंटिन्यू नहीं क्या यूज़ कर रही है। हम यूज़ हर तरह के शैम्पू करती है तो, लेकिन ये जो टोनर है ना, इसका मैंने मतलब सीरियसली मैजिक देखा हुआ है, बाल में वॉल्यूम दे देता है, नेचुरली वॉल्यूम देता है बालों में, और आपको बस हल्का हल्का मसाज करना है, इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा कोम कर लेंगे। सही है ये, इसका हम सोच रहे हैं हेयर सीरीज ऐसे कंटिन्यू नहीं, लेकिन हाँ
की बना के रखूँ, ताकि मतलब खुद को भी ये दिख पाए कि हाँ भाई ऐसे इसकी रिजल्ट ऐसे आ रही है। हम अभी अपने हेयर में करंटली क्या क्या यूज़ कर रही है बता देती हैं। ऑयल यूज़ करती है वीकली वंस, वो भी भूल जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद में राइस वाटर यूज़ करते हैं डेली, या एक दिन के बाद एक दिन छोड़ कर। राइस वाटर भी है इसमें, सब कुछ मैंने डाल करना इसमें मिक्स किया था। तो वो एक है सही चीज़ है, मतलब काफ़ी अच्छे नहीं हुए मेरे बाल मुझे पता है, लेकिन हो जाएंगे, मुझे ये चीज़ का बिलीव है। तो अगर कोई यूज़ करना चाहे क्या डालते हैं इसमें ये बताऊँ मैं, तो बताइएगा ज़रूर मुझे। तो आ गए हल्का सा, मतलब एक 30% ड्राई हुआ है वो टोनर लगाने के बाद में, टोनर या हेयर ग्रोथ सीरम जो भी बोल दो। तो उसके बाद में मैंने सिर्फ कोम कर दिया, क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन आपको ना दिखाएंगे ये, मतलब ये वीडियो के एंड, क्योंकि वीडियो लेंदी होने वाली है, तो ये वीडियो के एंड तक में पता चल जाएगा कि वॉल्यूम दिखाई देगा। तो वो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये टोनर काम तो ज़रूर करता है, और बाहर के इतने एक्सपेंसिव टोनर से ज़्यादा अच्छा है ये, क्योंकि घर पे ही बन जाती है। आपको पता है इसमें क्या क्या डली हुई है, कितना लाइफ स्पैन है इसमें, थोड़ा सा क्या क्या, मतलब कंप्लीट उसका एक अलग सा सेपरेट वीडियो बना देंगे, अदरवाइज बहुत लंबा बनने वाला है। तो चलिए स्किन केयर स्टार्ट करते हैं और बता देते हैं। नहा के ही आए हैं तो फेस मेरा कंप्लीट क्लीन है, और मैंने कौन सा फेस वॉश यूज़ किया है ये देखिए, ये वाला नया वाला मेरे पास में है, ये अभी करंटली यूज़ कर रही, इतनी सी बची हुई है इसीलिए, ठीक है। और ये है बायोटिक का बायो वाइट एडवांस फेयरनेस फेस वॉश, ठीक ठाक है। कोई ऐसा उतना सही तो मुझे लग नहीं रहा, जैसा भी है सही है, मतलब फेस क्लीन करने में काम करता है। सब कुछ मैंने एक्स्ट्रा देखा नहीं है, पिंपल्स आ रही है उसको कंप्लीट ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्यों बोलने से मेरा मंथली साइकिल भी था, तो मुझे वो सब के चलते थोड़ा ये किया था। लेकिन हाँ ठीक ठाक है वो फेस वॉश, मतलब जेल में है, उसका डिटेल अलग से सेपरेट वीडियो आपको आ जाएगी। फिर उसके बाद में है मेरे पास में ये टोनर, टोनर का वीडियो शायद मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है ऑलरेडी, और ये टोनर बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा, बायोटिक का बायो कुकुम्बर टोनर जो है, पोर टाइटनिंग टोनर। ये बता देते हैं, ये ना हाथ पे ऐसे लेते हैं, कुछ ड्रॉप्स लेते हैं, ठीक है। और जैसे आज मतलब खुद जैसे करते हैं ना स्किन केयर, वो कंप्लीट आपके साथ में शेयर कर देंगे, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। और ये मतलब ये मुझे करना बड़ा अच्छा लगता है, बोलते नहीं है सबका कि वो मेंटली कुछ भी चलता हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, ऐसा लगता है ना बहुत रिलैक्सिंग, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये कर लो। मतलब मुझे ये एक ऐसी खुशी देती है ना ये स्किन केयर जो करते हैं जैसे कि घूम के आओ, एक वेकेशन छोटा सा ले लो, या कहीं एक आउटिंग कर लो, आपका माइंड कैसा थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है, ये वैसा है मेरे लिए। और कम से कम हाथ में आपको 5-6 ड्रॉप लेनी है 2-3 बार, और अच्छे से सब लगाना है, थोड़ा सा हल्का डैप करें। आवाज़ सुनाई दे रही है, मैंने पहले भी एक ड्राई स्किन वालों के लिए स्किन केयर शेयर किया था, उसमें ऐसा कुछ यूज़ करके नहीं दिखाया था एज सच, क्योंकि बहुत जगह से मुझे इन्फॉर्मेशन लेना पड़ा उसके बाद में शेयर किया। और एक दीदी ने तो बोला मुझे, मतलब बहुत अच्छी हो दीदी, इंस्टाग्राम में है मेरे साथ में, बहुत अच्छा अच्छा थॉट्स शेयर करती है, उन्होंने बोला कि हाँ यार ना काम किया है ये कर कर। तो वो है, तो एक ऑडियंस ही सही जब बोलता है बड़ा अच्छा लगता है यार। तो ये हो गई कंप्लीट, मैंने 2-3 बार यूज़ कर ली। और हाँ, इसे अगर घर पे हो, मतलब घर पे हो या जहाँ पे भी हो, और आपके पास में फ्रिज है, तो फ्रिज के अंदर रखो, मतलब वो ठंडा ठंडा कूलिंग, ऑलरेडी ये कूलिंग सेंसेशन देता है, प्लस ये भी एक ओवर द टॉप मज़ा आ जाता है। इसके बाद में है मेरे पास में ये वाली विटामिन सी की सीरम, देख लीजिए। ये वाली वीडियो मैंने शायद ही आपके साथ शेयर की है, एक बार चेक कर लेंगे, अदरवाइज इसका वीडियो मैंने बना रखा होगा, शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत कम प्राइस में इसका ना, इसी में लिखा हुआ है 299, ठीक है।
हाँ इसका प्राइस है 299, 30 ml की मिलती है और बहुत सही है। मतलब बेनिफिट्स या इंग्रेडिएंट दोनों ही, मतलब अगर इसका सेपरेट वीडियो शेयर करेंगे तो बता देंगे। ये मैंने मीशो से लिया था, और मीशो का एक दिक्कत ये है, और हाँ इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी भी लेती है, हाइलोरॉनिक एसिड भी है इसमें। हाँ इसमें दिया हुआ है फॉर फेयर यंग लुकिंग स्किन विथ एंटी एजिंग स्किन वाइटनिंग फॉर्मूला। होपफुल मैंने आपके साथ में शेयर किया हो, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये ना ख़त्म होने वाली है, पता चल गया होगा जिस हिसाब से, और ये कुछ ऐसा दिखता है, तो मतलब दिखता कैसा है यार, जैसा भी हो काम बहुत सही करता है। पूरे फेस में अच्छे से लगाओ, पिंपल के ऊपर भी पिंपल थोड़ा जल्दी चला जाए बस। इसका मैंने काम देखा हुआ है, जैसे मतलब काम देखा हुआ है क्या मतलब, इसका मैंने देखा हुआ है ना, जैसे अभी ये सब मार्क्स है ना, अगर मैं कंटिन्यू से यूज करूँ विद इन अ वीक वो मार्क्स हटा देता है। स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, ये चीज़ है उसमें। फेयरनेस का तो दिया हुआ है, फेयरनेस नहीं पता था, लेकिन ब्राइटन बहुत रहता है, मतलब ना वो शाइन ग्लो आपको प्रोवाइड करेगा। अभी देखो जैसे पहले फेस था, एक बार आप वापस जाकर देखेंगे और अब देखेंगे ना पता चल जाएगी कि ग्लो सब दिख रही है। ये इसी के चलते हैं, बची हुई चीज़ों को वेस्ट नहीं करा जाएगा, सीधा हाथ में लगाया जाएगा। फिर उसके बाद में हम आते हैं, मुझे पसंद है ये यूज़ करना, दिखा देते हैं। ये मुझे नाइट टाइम में यूज़ करना पसंद है, नाइट टाइम में हमेशा मेरे साथ में रहता है। मतलब ब्लॉसम कोचर का हमेशा ही कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा काम करता है बाकी सबके कंपैरिजन में। मतलब बाकी भी इनके सारे प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है ब्लॉसम कोचर के। ये वाला जो है, ये वाला वीडियो मैंने शॉर्ट्स में भी और डिटेल में भी शेयर किया है आपके साथ। पी साइज अमाउंट काफ़ी है, देख लीजिए तो। हाँ वो भी दिखा देते हैं, यहाँ कंप्लीट अपना बास्केट लिए हुए बैठे हैं, तो मतलब जिसमें स्किन केयर रखते हैं। तो ये वाली वीडियो भी आपको याद होगी, तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी पहले हिमालय का शेयर किया था, मतलब बहुत अच्छा है ये भी। तो इसे पूरे हाथ में स्प्रेड कर लिया, लगा लो, स्किन ना हाइड्रेटेड रहता है, ड्राइनेस फील नहीं होती, और ये ना कंप्लीट थोड़े दिन आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे ना, आपका जो ना डलनेस हो जाती है ना टैनिंग की वजह से, एक अजीब सा फेस दिखता है, जैसे स्किन बर्न हो गया है ऐसा कुछ। उससे बैटरी लो हो गई मेरी में, 10% बची हुई है, और वीडियो बना रहे हैं बैठ के, लेंदी वीडियो बनेगी वो भी पता है, जबकि तो आपको वो सबसे थोड़ा आराम मिलेगा। और कंटिन्यू मतलब कितना इसका क्वांटिटी, तो मैंने इसका डिटेल वीडियो में बताया ही होगा, 100 ग्राम की है। हम करीब इसे 3-4 मंथ से कंटिन्यू यूज़ कर रही है, दो था एक ख़त्म हो गया, सीवीट वाला नहीं, सीवीट वाला नहीं, सीवीट वाला तो यही है, और दूसरा वाला जो ब्लू कलर का आता है वो कंप्लीट एम्प्टी हो गया। हाइड्रेटिंग कुछ था, बहुत अच्छा था वो भी, लेकिन क्या प्रोडक्ट्स एम्प्टी करनी है ना, उस वजह से थोड़ा स्लो होकर चल रहे हैं कि अब प्रोडक्ट लेना नहीं है, जो है उसे एम्प्टी करेंगे करके, तो वो हो गया। इसके बाद में हम आते हैं इसमें, ये वाला मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर वाला इनका मॉइस्चराइज़र है, और ये ना मुझे नी में लगाना, एल्बो में लगाना पसंद है। अभी भी ये इतना ही ख़त्म हुआ है, इतना मतलब अभी भी इतना बचा हुआ है। तो एक चीज़ है, यहाँ से थोड़ा सा जगह है तो ये सी थ्रू है, आप देख सकते हैं। पहले मुझे स्टार्टिंग में लगा था, जितना मैंने स्टार्टिंग में रिव्यूज़ देखे थे ना, मुझे लगा था बहुत चिपचिपा होगा, ऑयली स्किन वाले तो दूरी रहे तो बहुत अच्छा है करके, लेकिन ये उतना चिपचिपा नहीं है। आप लोगों को दिखाया तो था मैंने, फिर भी ये देखिए रनी नहीं है, एकदम थिक भी नहीं है, नॉर्मल सा है, तो अच्छा लगता है यूज़ करने से। हल्का सा ग्लो, बड़ा प्यारा लगता है, और ये ना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, मतलब आपको वो जो फ्लेकीनेस या ड्राइनेस जो रहती है। और ये एक चीज़ बहुत
मतलब ऑयली स्किन वाले बोल पाएंगे ये चीज़ कि कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं ना, उनको एक फील होता है कि बाद में हाँ ब्लैक हेड्स आ गई, वो एक दिक्कत इसमें नहीं रहती, वो है। कभी भी ये जगह लगाना भूलती नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज में बहुत अजीब दिखता है वहाँ, तो वह जगह में कुछ अलग से ही थोड़ा ज़्यादा ही लगा देते हैं। शाइन देख रहे और ये ना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये स्मेल है, हल्का सा ठीक ठाक है, मतलब उतना भी नहीं कि आप ले नहीं पाओगे, लेकिन हाँ नीचे बैठे हुए हैं तो पैर मेरा अजीब सा हो जाता है। और बाल ना अभी बता देते थोड़ा, मतलब हल्का हल्का सा पता चलेगा। बालों का जो केयर करना चाहते हैं उनको एक एडवाइस देंगे खुद की तरफ से, बालों को ना कवर करके रखिए, जब हम धूप में जाते हैं ना उस चीज़ से कवर करके रखिए, बहुत ज़रूरी है वो चीज़, मैंने खुद देखी है। और चलिए सनस्क्रीन घर पे हो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी लेंगे नाम के लिए। और ये मुझे स्टार्टिंग में ये सनस्क्रीन मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे ये वाली, इसका शायद मैंने वीडियो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, लेकिन अब मुझे ठीक ठाक लग रहा है और ले भी लिए है तो एम टी तो करनी ही है, तो घर पे हूँ तो उतना ज़रूरत नहीं। और इवनिंग में जाएंगे भी तो बाहर 3 o'clock के बाद ही जाएंगे, तो तब तो लगाएंगे भी नहीं क्योंकि अभी इतना सनी भी नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरत तो है। बहुत दिनों के बाद कर भी रहे हैं ना, अजीब सा भी लग रहा है। इसका स्मेल थोड़ा अच्छा भी लगता है लेकिन एक अजीब सा भी स्मेल लगता है, मुझे पता नहीं क्यों। मुझे बैठने के लिए जगह बनाना पड़ा तो चेयर यहाँ पे पड़ी हुई है, चेयर लैपटॉप सब दिख रही होगी, तो पीपलने से स्पेस नहीं था। और मुझे ऐसे मेरे फिश टैंक के पास में बैठ के बनाने का मन भी था क्योंकि कोई और लोकेशन फिर उसको एडजस्ट करो बनाओ, मुझे वो सही नहीं लगता था, तो लगा ठीक है यहीं पे बैठ जाते हैं करके। ठीक है, मुझे सनस्क्रीन लगाने का ना एक फ़ायदा लगता है, फेस चिपचिपा सा हो जाता है, वो तो एक फैक्ट ही है सभी को पता होगा, लेकिन ना जो ग्लो आता है ना, मतलब ये शाइन जो जैसे वहाँ लाइट जल रही है ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइट लगा रखा है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और वो होता है ना कंटिन्यू स्किन केयर करते रहो, फिर एक दिन कहीं जाओ किसी फंक्शन में, शादी में या कहीं पे भी, वहाँ पे चमको आप, इतना जो मेहनत की है उस दिन दिखाई देती है आपको। वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है ये इस सनस्क्रीन का, वो एक चीज़ है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ना ग्लोई डूई बना ही देता है, तो वो है। और एल्बोस, क्योंकि मेरे एल्बो थोड़े से डार्क हो रहे हैं तो इसलिए। फिर इसके बाद में ऑप्शंस हैं, ये मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर भी किया है लेकिन फिर भी बता देते हैं। मेरे पास में हैंड क्रीम के लिए ना मैंने ऑप्शंस रखे हुए हैं, देखिए ये वीडियो मैंने काफ़ी बार आपके साथ में शेयर किया, अभी फिर से शेयर करेंगे, बहुत सारे मेरे पास में इसके प्रोडक्ट थे, इसका तो मतलब लाजवाब यूज़ है। फिर उसके बाद में है ये वाली, ये भी एम्प्टी होने वाली है, कुछ इतनी सी अब बची है, मतलब उसके बाद में बंद कर देते यूज़ करना। फिर उसके बाद में है ये वाली, तो ऑप्शंस हैं हैंड क्रीम के लिए, तीनों में से कोई भी लगा लो। ये मुझे क्रैक क्रीम के जैसे यूज़ करना, क्रैक क्रीम नहीं, हील रिपेयर क्रीम के लिए बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर डार्क्स हो गया वहाँ पर भी लगाना अच्छा लगता है, तो वो है। और लेकिन इसका स्मेल अमेजिंग स्मेल है, तो और रिजल्ट भी अच्छा ही देखा है, मतलब खास करके जो ये फिंगर्स के यहाँ पे जो डार्क डार्क हो जाते हैं ना, उसको थोड़ा सा लाइटन अप कर देता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ वो भी हो गई। और इसका स्मेल ऐसा है ना, थोड़ा सूदिंग स्मेल है, तो मतलब स्ट्रेस बस्टर हो सकते हैं, मतलब कि हाँ स्ट्रेस निकल गई, तो वो एक है अच्छा लगता है। फिर इसके बाद में यूज़ करेंगे सिंपल सी चीज़, क्योंकि आज कोई मेकअप नहीं जाना है 3 o'clock के बाद, तब तक मैं ये सब बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाएगा मुझे पता है। ये हो गए, स्मेल अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, मतलब जिन लोगों को ये होगा ना कि हाँ एल्बो में लगा रहे, एल्बो सॉरी नीज में लगा रहे हैं,
वहाँ भी डार्क हो गई है ना, तो इसीलिए। फिर इसके बाद में है मेरे पास में ये वाली लिप बाम, बायोटिक की लिप बाम है। इसका वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन इसकी हालत देख लीजिए, पूरा ऑलमोस्ट एम्प्टी है, लेकिन लास्ट एकदम भी ना वो निकाल के यूज़ करने का मेरा आदत है। तो क्वांटिटी ज़्यादा लग गई। ये एक लिप बाम मैंने काफ़ी बार सजेस्ट किया है लोगों को, ऐसा नहीं कि अभी यूज़ कर रहे हैं, नया नया बायोटिक का कुछ प्रोडक्ट लिया है तो नहीं, काफ़ी पहले से यूज़ करें, पहले लगा लेते हैं फिर बताते हैं। थोड़ी ये एक लिप बाम ऐसा है ना, मतलब अभी के बहुत सारे बहुत ही एक्सपेंसिव लिप बाम्स आ रहे हैं पता है मुझे, तो उसके कंपैरिजन में ना ये भी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद वो एक्सपेंसिव जितने लिप बाम्स हैं उससे यूज़ नहीं किए हैं। क्वांटिटी भी सही मिल रही है आपको, कुछ 11-12 ग्राम की आ रही है, काफ़ी लंबी चलेगी ये, आपको विंटर टाइम में भी काम करने वाला है, आपका समर टाइम हो कोई भी, अभी ये नॉर्मली हमारे यहाँ पर हॉट वेदर ही चल रहा है, तो हम बोल भी नहीं सकते कि इसको कि ये समर टाइम हो गया है, क्योंकि समर टाइम नहीं, पता नहीं कौन सा हमारा यहाँ का सीज़न, इतना कंफ्यूजिंग है कि बारिश भी होती है फिर गर्मी शुरू हो जाती है, तो मतलब सभी जगह पे ये हालत चल रहा है मुझे पता है। लेकिन ये वाला जो लिप बाम है ना बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही एक्सपेंसिव लिप बाम जो होते हैं तो उससे कंपेरिजन किया जा सकता है। और आप नाइट को लगाओगे ना, अराउंड 8 o'clock को सोचो लगाए हो और मॉर्निंग में उठते हो आप 5-6 बजे के टाइम में, मॉइस्चराइज रहेगा, हल्का सा लिप पिंक कलर का टिंट रहेगा, मतलब बहुत ही प्यारा, और नेचुरल आप इसे कंटिन्यू यूज़ करोगे ना, आप अपने लिप के और जो डार्कनेस को कम होते हुए देखोगे, आप इतने अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर से ही आपको पता चल रहा है ये बात। ये देख लीजिए एम्प्टी होने वाली है, और बैकअप में भी एक दो इसका वीडियो शेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास में है और भी, बहुत अच्छा काम करता है ये। अब बताते हैं, थोड़ा सा अपडेट देते हैं बाल के बारे में, तो ये ना अभी इसे और एक बार कोम करना पड़ेगा, कोम करेगा तो थोड़ा सा और पफ हो जाता है, अपने आप से होता है, ये मैंने बहुत ही टाइट करके लगा दिया था। 2-3 चीज़ है हेयर के लिए जो मैंने खुद में ध्यान दी, मेरे साथ में क्या हुआ था बताते हैं, कुछ 1 month भी नहीं हुआ होगा, अराउंड 1 month के अंदर की बात है ये। एक दिन नहा के निकले ऐसे मिरर में, टाइम नहीं रहती थी तो देखते नहीं थे, एक दिन मिरर में देखे ना इतना बड़ा गैप, मतलब शैम्पू करके निकले थे और मेरे को लग गया झटका, बहुत बड़ा झटका कि यार अब तो तुम्हारा मतलब सब जाने वाला है यार का। तो फिर वो था कि हाँ सिर पे तो ओढ़नी डालते हैं, ज़रूरत भी क्या है, लेकिन अब खुद को लग गया यार सिर में ओढ़नी तो डालते हैं, वीडियो भी तो बना रहे हैं, वीडियो बनाते टाइम में क्या करेंगे करके ना, इट्स लाइक ओके चलो कुछ करते हैं अब। तो मैंने क्या किया, नेट में कुछ कुछ सर्च किया पहले कि हाँ ये देख ले वो देख ले, वैसे किया था नहीं हो पाया, लेकिन हाँ अपने माइंड में सोच लिया था ये बार कोई मेडिसिन में और नहीं जाने वाले, कोई हेयर केयर ये मास्क ले लो वो मास्क ले लो वो भी नहीं करने वाले, खुद का करेंगे ये बार जो भी है, अब मानेंगे नहीं। हाँ एक महीने के ऊपर हुआ है इस बात को, मैंने खुद से मतलब मेरे पास में अभी जो टोनर मैंने आपके छोटे डब्बे में दिखाया ना वो टोनर उसी तरह मैंने इतने बड़े एक बायोटिक के बॉडी वॉश वाले जार में भी बना कर रखा हुआ है, दोनों फ्रिज में ही हैं, आपको हफ्ते 2-3 हफ्ते तक भी चल जाते हैं, क्योंकि मेरा कुछ 2 हफ्ते से पड़ा है, उसमें बहुत सारी इन्ग्रीडियंट्स डलती है लेकिन हर्बल इन्ग्रीडियंट्स हैं, अच्छे से बॉयल करते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं, निकालते हैं लगाते हैं, आप मानेंगे नहीं। उसे अभी जैसे मैंने टोनर जैसे यूज़ किया, उसे हीना में मिक्स करके लगाते हैं, और हीना जब भी आप लगाओ आप ऑयलिंग नहीं करना है, आप उसमें ऑयल मिक्स करना है, फिर उसके बाद में जब उसे क्लीन करोगे तब ऑयल लगा के एक दिन छोड़ देना, उसके बाद में आप क्लीन करो, अदरवाइज़ आपका हेयर जो है ना ब्रिटल हो जाएगा, वो बीच से टूटने लगेगा, ज़रूरी नहीं है स्कैल्प से, यहाँ से टूटने लगेगा, यहाँ से आपको ऐसे लगेगा बहुत निकल रही है बहुत निकल रही है करके, तो वो एक चीज़ का ध्यान रखें। हेयर मास्क अगर कुछ भी बनाते हो योगर्ट मिक्स करें, उसमें भी थोड़ा सा ये वाला वाटर डाल दे यूज़ करें, बहुत सही रहता है, राइस का ये लगा लें, मतलब जो आपको लगता है ना करनी चाहिए करके, तो उस टाइम में वो सही काम करता है। खुद के ऊपर बिलीव रखें, खुद
सही करके देखिए, ये नहीं पूछ ले कि हाँ ये है वो है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, लेकिन खुद के ऊपर बिलीव रख के करें ना, क्योंकि मैंने खुद में चेंजेस ये वाली देखी है। अब मानेंगे नहीं, एक टाइम में वीडियो बनाते थे, मेरे यहाँ का ना बाल पूरा कंप्लीट एम्प्टी था, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया वो चीज़ को, लगता था कि ऐसे ही है, चलो हेयर कलर कर रहे हैं, निकल रही है ये वो, पर ये सब चीज़ें ना बहुत मतलब हमारे स्किन को, स्किन हेयर जो भी हो उसको बहुत ये डैमेज करता है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। इवन स्किन केयर में भी मुझे पहले थोड़े से थे कि हाँ ये यूज़ कर ले, वो यूज़ कर ले, जो भी मिलता है उठा के लगा देते हैं, अभी थोड़े से चूज़ी हो गए हैं, देखते हैं, थोड़ा पता करते हैं, पैच टेस्ट कर लेते हैं कि अपने स्किन में कैसा जाएगा, कुछ रिएक्शन मतलब एक दो वीडियो मेरी ऐसी है जो मैंने बनाई थी, मुझे सूट नहीं करी। अब डिपेंड भी तो करता है ना स्किन टाइप के ऊपर, आपका बॉडी कैसा ले रहा है कोई प्रोडक्ट को, कोई भी चीज़ को। अभी नॉर्मल सी बात है, आपका एलर्जी हो सकती है, जैसे किसी को बैगन से एलर्जी होती है, एग प्लांट से एलर्जी किसी किसी को होती है, सब लोगों को नहीं होती है, 100 में से 2 जन निकलेंगे शायद, 100 में से 10 जन निकलेंगे शायद, किसी को लेमन से, किसी को एलोवेरा से, किसी को हल्दी से। हल्दी से मुझे पहले एलर्जी थी, अब मेरा स्किन बहुत अच्छे से मुझे सूट करता है हल्दी लगाने से। पहले मुझे एलोवेरा से प्रॉब्लम नहीं थी, अब मुझे एलोवेरा लगाते साथ ही इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर। और जैसे कि हम फ्रेश एलोवेरा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल मार्केट से जो आती है वो वाला हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ का डिफरेंस हमें देखना पड़ता है। हमें सिर्फ ये है कि थोड़ा सा बिलीव करें कि क्या है क्या नहीं है करके, कैसे यूज़ करना है, थोड़ा सा टाइम देंगे, यानी कि 2 बार लगाया, अरे यार नहीं हुआ, फिर जाके बोले अरे ये तो काम नहीं कर रहा है तुम्हें, तुमने क्या बता दिया, ऐसे नहीं होता है। थोड़े दिन आपको टाइम लेना पड़ता है, यूज़ करके देखना पड़ता है। कुछ नहीं ना, ये सोच लो आपने प्रोडक्ट में पैसे लगाए हैं, आपको वो प्रोडक्ट एम्प्टी करनी है, थोड़ा सा टाइम दो, रेगुलर हो के टाइम दो। अभी देखो किसी के पास में रेगुलर टाइम है भी नहीं कि आज मैंने बैठ के ये स्किन केयर किया, तो डेली करते हैं करके नहीं है, अभी का टाइम बताते हैं, मेरे यहाँ पे हो रहा है 1 बजने वाला है, सिर्फ 10 मिनट बची हुई है, और आज है थर्सडे, थर्सडे 22 है शायद, जून 22, तो आप आइडिया लगा लो आज ये पूरे महीने में ये एक दिन मुझे मिला है कि हाँ मुझे ठीक है तुम घर पे रहो करके मेरे हस्बैंड ने बोल दिया। अदरवाइज़ हम भागा दौड़ी में ही रहते हैं, जाते हैं वहाँ काम रहती है, यहाँ काम रहती है, स्किन केयर नहीं होता है, इवन रात को भी नहीं होता, बहुत कम। अब क्या है, कभी कभी मेरा स्किन केयर में भी वो एक है कि 2 दिन अगर मैं स्किन केयर करूँ, 3रा दिन अपने स्किन को ऐसे ही छोड़ते हैं कि ब्रीदेबल रहे, इतना प्रोडक्ट लगा के उसको ये नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हमारी दादी नानी मम्मी, मेरी मम्मी तो खुद ही कुछ लगाती नहीं थी, उनके टाइम में आता था एक ग्लो एंड लवली जो उस टाइम में चलती थी फेयर एंड लवली में, तो वो लगाती थी कभी के बाद ड्यूटी जाते टाइम, अदरवाइज कुछ नहीं लगाती थी, उनका स्किन, मेरी मम्मी हंसती नहीं थी ज़्यादा, आज भी नहीं हंसती है ज़्यादा, मतलब उनके स्किन में ना अभी मेरे में ही, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये देखिए लाइन्स, मेरी मम्मी को ऐसे लाइन्स नहीं है, वो बहुत ही मतलब ऐसे रहती है, मुझसे नहीं होता, मुझे छोटी छोटी बात में हंसी आ जाती है, छोटी बात में रोना आ जाता है, तो ऐसे ऐसे एक ही चीज़ एक एक के ऊपर काम करता है। थोड़ा सा टाइम दे दे स्किन को, मेरे आपको पिंपल आपको दिखाते हैं, रुको ये देखिए, ये देखिए पिंपल देख रहे हैं, तो क्या है थोड़े दिन टाइम दिया, अब देखा हील नहीं हो रहा है ठीक से सही से, तो खुद से अभी करने स्टार्ट कर दी, कुछ अलग सा प्रोडक्ट नहीं लगाए, बस ऐसा ही फिश दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे है, पता नहीं दिखेगी कि नहीं, हिल रहे हैं, खेलने की आदत है उनको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही मेरा फ़िलहाल स्किन केयर चल रहा है। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में DM किया था इस चीज़ को लेकर कि आपकी स्किन अच्छी है तो आप वीडियोस ऐसे बनाते हैं, नहीं स्किन अच्छी नहीं है, ऐसा सब हो जाता है, फिर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है उस हिसाब से यूज़ करते हैं, हील होने छोड़ देते हैं, और ज़्यादा दिक्कत होती है ना सिर्फ DIYs यूज़ करते हैं, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ DIYs, जैसे बेसन हल्दी ये वो लगाते हैं, ऑयली स्किन है तो मतलब वो सब थोड़ा ध्यान रख के करते हैं, और हेयर का अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल मेरा हेयर लेंथ देख लो, हम सोचे ईयर के एंड तक में बनाऊँ मैं बना के, मगर फ़ोन में वो भी एक दिक्कत है कि स्टोरेज नहीं रहती है, पर हो सके तो एक सीरीज़ बना के प्लेलिस्ट में बना के रखेंगे ताकि आप लोग भी चेक कर पाए। अभी आप लोगों को ये सब जगह पे दिख नहीं रही है ना मेरा स्कैल्प, एक टाइम में मेरे यहाँ पे कंप्लीट ऐसे
जब हम अभी देखना, देखा कवर हो जाता है, मतलब उस तरीके से है, वॉल्यूम आपको मिलता है। और ना मुझे बेबी हेयर्स थोड़े बहुत मतलब ऐसे लगता है, और हेयर को ऐसे टच कर तो भी पता चलता है कि हाँ बाल ठीक हो रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, ख्याल रखिए, खुश रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, कोई भी डाउट होगा तो पूछे। हेयर से रिलेटेड अभी उतना कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि खुद ही मतलब बोल रहे हैं ना, अभी 4 बाल से 10 बाल उगाने के उसमें जा रहे हैं, तो टाइम लगेगी। मुझे खुद पता है ये कोई 2 दिन का प्रोसेस तो नहीं है कि हो जाएगा वाला। बाल मुझे लेंदी नहीं करना है, सिर्फ मुझे ग्रोथ, हेयर ग्रोथ अगर मेरा अच्छा हो जाए तो मुझे यहाँ तक ही रखना है, क्योंकि मुझे पता है उनसे मैनेज नहीं होने वाली चीज़ है ये। मेरा सीरम गिर रहा था, पता नहीं ऐसे ऐसे होके जा रहे हैं जो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ख्याल रखिए अपना।